विपक्ष के नेता बार लगा रहे हैं आरोप, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो कर देगी संविधान खत्म। पीएम मोदी ने लगा दिया छक्का, पब्लिक के सामने कर दिया ऐसा ऐलान कि विपक्ष की हो गई फैलान। भाजपा के सांसदों के बयानों से फैला था रायता, लेकिन मोदी ने एक झटके में समेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के संविधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत एवं कुरान करार देते हुए कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना इंडी अलायंस के सभी साथियों का फैशन बन गया है और कांग्रेस मोदी को गाली देने के संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, जबकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एससी लेके एसटी ओबीसी भाइयों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना एनडीए अलायंस के सभी साथियों का फैशन बन गया है। उन्होंने कहा जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वही कांग्रेस मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। पीएम ने कहा कि यह मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। इन कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया, संसद में उनका भाषण है। क्या यह बाबा साहेब और संविधान का अपमान है या नहीं? इतना ही नहीं, यह मोदी है जिसने बाबा साहेब से जुड़े 5 तीर्थों का विकास किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसलिए बाबा साहेब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस एवं ईडी अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक संविधान का सवाल है तो आप मानकर चलिए कि मोदी के शब्द लिख कर रखिए और बाबा साहेब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। हमारा संविधान भारत के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है और हम सबके लिए हमारा संविधान ही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि ईडी अलायंस में शामिल एक और दल ने हम अपने घोषणा पत्र में लिखा कि वह भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देगी, उन्हें दरिया में डुबो देगी। भारत जैसे जिस देश के दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके एड अलायंस के साथ ही किसके इशारे पर काम कर रहे हैं या कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका यह गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? उन्होंने कहा एक तरफ मोदी सरकार को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है तो दूसरी तरफ ईडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस भारत माँ के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते उसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा मानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है। उन्होंने कहा हम सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव तक नहीं देश का प्रथम गांव मानते हैं।